साहब को पैसों की जरूरत थी, घर के लिए पैसों की अशद जरूरत थी, बहुत ज्यादा जरूरत थी पैसों की। तो वो बहुत कोशिश की, सवाल कर नहीं सकता था, मांगने का मिजाज था नहीं। ये नफिल बता दिया उसको कि ये नफिल पढ़ अल्लाह से मांगो, ये नफिल पढ़ अल्लाह से मांगो। पढ़ता रहा, रोता रहा, दो रकात नमाज नफिल, उसके बाद तीन दफा सूरत यासीन पढ़ के गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ करता रहा, मांगता रहा, पढ़ता रहा। रोजाना पढ़ें, सुबह शाम पढ़ें, रोजाना पढ़ें, पढ़ यकीन से पढ़ें, तवज्जो से। कुदरत का निजाम देखिए, कुछ ही महीनों के बाद उसके ना भाई ने कबूतर रखे हुए थे, कबूतर रखे हुए। वो कबूतर भी रखता था, ख्याल भी नहीं रखता था। ये बेचारा उनको दाना डालता था, कह रहे मासूम है, बेजबान है। मेरा एक गुमान है कबूतरों की दुआएं भी साथ शामिल हुई, बेजबान की दुआएं शामिल होती। और कबूतर पाले कभी ना, वो तो उसने भाई ने पाले थे और वो तरस खा के उन पे दाना डालता था। तो कबूतर का शोर सुना उसने, तो कबूतरों का शोर सुना, तो कबूतरों का जो है वो चबूतरा बहुत ऊंचा बना हुआ था ऊपर, उसका डरबा जाली वाला, तो वहां बिल्ली का जाना गुमान नहीं था। वो भागा कि शायद को बिल्ली है, क्या है। अंदर गया तो अंदर एक बहुत बड़ा शाहीन था जो कबूतरों पे झपट रहा था। कहीं से उड़ता हुआ आया, ऊंचा देखा कबूतर हैं, उसने कहा शिकार है। कुछ उसने जख्मी भी कर दिए थे, मार भी दिए थे। इसने जाके क्या किया, वो दरवाजा तो खुला हुआ होता था, कबूतर उड़ते थे और फिर आके बैठ जाते थे, बिल्ली का वहां जाने का गुमान ही नहीं था। इसने वो बंद कर दिया। अब बंद करके अब कहने लगा इसको निकालूं कैसे। एक दोस्त था, उसको बुला के लाया, वो शिकारी था। उसने देखा, उसने कहा वो तो लाखों रुपए की चीज है, कहां से आई, ऐसे आ गई। कहा तेरी तो किस्मत है। अब उस पे किसी तरह कपड़ा डाला और कपड़ा डाल के, चादर डाल के उसको बेबस किया और बड़ा सा पिंजरा बनवाया और फिर उसको उस पिंजरे में मुंतकिल किया और फिर उसके गाहक तलाश किए। ये बात है कोई गालिबन 30-32 साल पुरानी। उस दौर में वो 7 लाख का बिका था, 7 लाख का बिका था, और उसको जरूरत थी 1.5 लाख की, नफिल हाजत के और सूरत यासीन पढ़ता रहा यकीन से, और उसका काम बन गया। ये एक ज़िमनन बात सामने याद आई तो मैंने अर्ज किया, आपको सुना दो।